ये चुनाव देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव और इस चुनाव में आपके नेता हमारे पिता आदरणीय लालू जी को दूर रखा है जनता के बीच से और चुनाव से। ये लोग केस मुकदमा करके साजिश रच करके रांची में बंद करा दिया। हमारे पिता बीमार हैं, अस्पताल में हैं, वहां आप लोग सब लोगों को सूचना होगी इसकी। जब हम रांची जाते हैं मिलने अपने बीमार पिता से तो हमको वहां मिलने नहीं दिया जाता, रोक दिया जाता है। और आप जान रहे हैं कि ये चुनाव केवल जगदा बाबू को जिताने का नहीं है, खाली पार्टी को जिताने का नहीं है, गठबंधन को जिताने का नहीं है, ये चुनाव है देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और लालू जी को न्याय दिलाने का चुनाव है। देखिए हम जनता की अदालत में है और जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होती है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है। न्याय और फैसला आप लोगों को करना है। अब हम पूछे कि एक बीमार पिता से एक बेटे को मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? हाँ उठा के बोले मिलने देना चाहिए था, लेकिन मिलने नहीं दिया। आप जानते हैं काहे लालू जी को जेल में बंद किया है भजपैयन सब? कि भजपैयन सब जानता था, भजपैयन सब जानता था कि लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माइक के लांग में दम नहीं जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर। लोग जान बूझ करके पहले लालू जी को मुकदमा करें या जेल भेजा, ये लोग सोचा कि अब लालू जी डरा जाएंगे, झुक जाएंगे, और लालू जी डरे वाला है। लालू जी नहीं डरे तो ये लोग दूसरा उपाय सोचा कि बाल बच्चा पर मुकदमा करना शुरू कर। अब देखो मेरे ऊपर मुकदमा है कि नहीं, एक आदमी है, 35 लोग मुकदमा है। अब देश का सुनिए, देश का सबसे भारी भारी एजेंसी सब लगा हमारे पीछे, CBI, ED, इनकम टैक्स, विजिलेंस और पता नहीं कौन कौन लोग को हम लोग को पीछे लगा रखा। ये तो मोदी जी लगाए हैं, ये तो मोदी जी लगाए हैं, अब पलटू चाचा हो गए लगा। अभी मोदी जी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ मुजफ्फरपुर में रैली की, तो बोले कि कुछ लोग को जेल भेज दिए हैं, अब कुछ लोग जो बेल पे हैं उनको भी जेल भेजे। देखिए हमको तो लगता था, हमको तो लगता था कि मोदी जी आएंगे तो 5 साल में क्या काम किए वो बताएंगे, बिहार के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, किसान के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ करके जी भर भर के, मतलब अभियो लालू जी को बंदो करा दिया, फिर भी लालू जी की गलिया रहा है, हम नहीं लोग गलिया रहा है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अरे जब लालू जी नहीं डरे हैं तो लालू जी का बेटा डरे रहा है। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी के भाजपा वाले लोग को डर लगता है तो लालू जी से लगता है। ये जब भी बात बोले कि हम कुछ लोग को जेल भेज दिया, कुछ लोग बेल पे है जेल में भेज देंगे, तो हमको लगा रे बाप ये तो बाबूओ जी से डरा रहा, हम लोग से डर लग रहा। आप देख लीजिए, आप बताओ मुद्दे की बात क्या होनी चाहिए, मेरी जांच कराओ कराओ ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बचपन से रेप देखते देखते बड़ा हुआ। ये लोग देखो मेरे पे मुकदमा किया, मेरे भाई पे मुकदमा किया, आपके नेता पर कितना दबाव एरी चोटी का जोर लगा दिया है सब, खाली झुकाने के लिए, गदाने के लिए, चंद वोट के लिए। लेकिन आपके नेता जो है सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता का लड़ाई नहीं छोड़ रहे, ना गरीब का लड़ाई छोड़ रहे, वहां बीमार अवस्था में बैठ करके भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोगों के मन में पैमानी होता
हम लोग अगर गलत काम किए होते तो हम लोग भी भाजपा से हाथ मिला लेते, अपना पाप धुलवा लेते। भाजपा से हाथ मिलाएगा तो पपोई ना भूल जाता है। अगर तो बचपन से सुनते कि गंगा मैया में डुबकी लगेगा तो पाप भूलेगा, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ोगे तो तुम भ्रष्टाचारी हो जाओगे, चोर हो जाओगे, तुमको जेल भेज देगा। लेकिन चाहे जेल भेजो या फांसी पे चढ़ाओ, हम लोग अपने विचार का समझौता या सौदा लड़ते थे लड़ते रहेंगे। कौन सी बड़ी बात थी, हम भाजपा से मिल जाते, विचार का सौदा कर लेते, पट्टू चाचा जैसा फरट गए होते तो हम बिहार के आज मुख्यमंत्री होते, केस मुकदमा खत्म करवा लेते। लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग ईमानदार हैं, हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अब पट्टू चाचा जानते थे गलती है, डर उसी को लगता है जो गलती करता है। हमारा पट्टू चाचा बाहरी डरपोक आदमी है, सृजन घोटाले के डर से तुरंत भाजपा में चल गए। तो आप लोग देखिए, जनता है मालिक है, सबसे बड़ी अदालत है, और लालू जी को न्याय दिलाना कि नहीं दिलाना, न्याय दिलाना है। तो न्याय तभी मिलेगा ना जब जगदा बाबू जी को एक एक वोट लाते उनको बटन दबा करके आपको दिखाएगा। तो आप लोग देखिए, पालतू चाचा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने खाया। बचपन में वो फिल्म देखते थे चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। क्या काम किए, बोले शराब बंदी करा दी। आप बताओ शराब बंद है कि चालू है? दारू पहले सस्ता था, महंगा है ना। हमारे पंतू चाचा जो है इस शराबबंदी नशा मुक्ति के लिए नहीं किए, इन्होंने शराबबंदी की है तो केवल केवल अपना पॉकेट भरने के लिए की है, जेब भरने का। कागज पे बंद कर दिया, माफियाओं से मिल गया, माफिया से मिल करके 200 का बोतल 1500 में बिकवा रहे हैं। 200-1500 में कितना अंतर है, 1300 रुपये पलटू चाचा के पॉकेट में। आप बताओ, गरीब तार के पेट पर चढ़ जाता जेल हो जाता, फिर ऊपर आएगा बेल। लेकिन अमीरवान सब बड़का बड़का लोग सब डेली सुबह शाम खींच रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमको तो सबसे ज्यादा तरस सब हमदर्दी बिहार पुलिस से, पुलिस का हाथ बांध दिए हमारे पलटू चाचा। अपराधी को पकड़ना चाहिए, चोर पेकार को पकड़ना चाहिए, बलात्कारी को पकड़ना चाहिए, हत्यारे को पकड़ना चाहिए। तो ये पलटू चाचा जो है ऐसा काम लग रहा है कि बिहार पुलिस सुंगले चल रहा, सुंगले चल रहा। तो अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, तो देखिए मोदी जी एक काम नहीं किए, बताओ 15-15 लाख रुपए का खाता बना, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल मिला, हमारा किसान माफ प्रदान करने पे आ गया। किसान जब मोदी जी से मिलने जाता है तो मोदी जी दिल्ली में डंडा चलवाते हैं किसान भाई पे, और किसान गिड़गिड़ाता हुआ जाता है। परेशानी सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास प्रियंका चोपड़ा के शादी में जाने का, हीरो हीरोइन के शादी में जा रहे हैं, किसान को डंडा चलवा रहे मिलने। तो ये लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप देखो इस सब का नाम आने लेते हैं, आप लोग सब लोग देखिएगा यहाँ भूत कटवा खड़ा हुआ है, बताने का जरूरत है, होशियार है आप लोग सभी जानते हैं भैया। जहां आप लोग बचोगे, सुनो, जहां बचोगे लालू जी को न्याय नहीं मिलेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। अरे मोदी जी अगर दोबारा आ गए तो एगो कमीशन बाबा है ना, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कमीशन बाबा, बिना इसके काम ही नहीं होता। इसमें लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि काम होगा कि नहीं। तो आप लोग देखिए, मोदी जी अगर आ जाएंगे तो देखो भारत सरकार ने 24 लाख रिक्त पद,
सरकारी नौकरी में। मोदी जी आ जाएंगे तो सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट का हाथ में दे देंगे। रेलवे बेच दिए ना, एयर इंडिया बेच दिए ना, अब बताने का जरूरत है तो हमारा गरीब गरीब पिछड़ा सब कहां जाएगा जब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो इसलिए साल भर में 2 करोड़ लोगों ने पकड़ा करते खाए गए थे। हम तो कहते थे कि पकड़ो बेच लेता, लेकिन मोदी जी कम से कम गोलियां तो करा देते, 15 लाख में से 2-3 लाख दिलवा देते, लगा देते। लेकिन कोई तो ज्यादा समय नहीं है तो आप लोग सब लोग एक मत रहिएगा ना, भाजपा का छक्का छुड़ाना है ना, मेरा साथ दीजिएगा। देखिए पिताजी को जब जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ जा रहे थे, हम निराश से दुखी थे तो बाबूजी ने कहा बेटा निराश दुखी मत होना, जब होगे तो मालिक के बीच चल जाना, आज हम मालिक के बीच आए। लालू जी के साथ क्या कीजिए।